हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज, जिसमें कि आपको एसएसटी के चैप्टर समझाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर इनसाइड आर अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ। अर्थ किससे मिलकर बनी है, किस चीज़ों से मिलकर बनी है। तो अर्थ किससे बनी है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, जैसे कि अनियन। अनियन मीन्स प्याज। प्याज के ऊपर एक के ऊपर जैसे लेयर होती है, इसी तरह से एक के ऊपर एक लेयर है जिससे कि अर्थ पूरा बना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सबसे ऊपरी तह है, सबसे ऊपरी लेयर है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सियाल सीमा एंड निफ। सियाल सीमा एंड निफ क्या है, इनको इनके बारे में बताना है। तो सियाल क्या है, सियाल एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स है। मींस कि सियाल वर्ड जो है दो मिनरल्स के सिंबॉलिक लेटर्स को लेकर बना है, वो है सिलिका एंड एलुमिनिया। अर्थ का जो मास है वो इन्हीं दो मेनली जो मास है वो इन दो मटेरियल से, इन दो मिनरल्स से मिलकर बना है। तो इन दोनों मिनरल्स के सिंबॉलिक लेटर्स को लेकर ये नाम निकला, सिलिका का SI एंड एलुमिनिया का AL एंड फॉर्म सियाल। क्लियर। दूसरा आता है सीमा। सीमा भी ऐसे ही है जो कि ओशनिक क्रस्ट, जो सी होता है, ओशन होता है, उसकी क्रस्ट जो है वो दो मिनरल से मिलकर बनी होती है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो उनके इन दोनों के जो सिंबॉलिक लेटर्स हैं उनसे मिलकर बना है सीमा। क्लियर। नेक्स्ट आता है निफ। निफ क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है वो इन दो मिनरल से मिलकर बनी है, और इनके नाम है निकिल, निकिल का Ni, और आयरन। आयरन का जो सिंबॉलिक लेटर होता है वो होता है Fe। तो दोनों से मिलकर बना निफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉक। रॉक क्या है, रॉक क्या है, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स। मिनरल से मिलकर जो नेचुरल मास क्रिएट हुआ है ऑन द अर्थ सरफेस, उसको हम बोलते हैं रॉक। और ये डिफरेंट साइज, कलर और टेक्सचर का हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कौन से मिनरल से मिलकर बना है, उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिनरल्स का है, कौन कौन से मिनरल्स हैं। अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कलर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के थ्री टाइप्स कौन से हैं, एक्सप्लेन करना है उनको। तो थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको पता ही है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो कि मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने से बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो उससे जो रॉक बनता है उसे इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट का मतलब होता है सेडिमेंट्स, मीन्स कि जो अवशेष होते हैं जो एक के ऊपर एक लेयर बनकर जम जाते हैं। तो जब ये इग्नियस रॉक टूटती है क्लाइमेटिक चेंज से, वेदर चेंज की वजह से, जब ये रॉक पार्टिकल्स टूटते हैं तो हवा के बहाव से, पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, और दूसरी दूसरी जगह पर जाकर लेयर के ऊपर लेयर बनकर इकट्ठा होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सेट होकर सॉलिड पार्ट बना देते हैं, सॉलिड रॉक बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब चेंज आते हैं एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से, जब उसमें चेंजेस आने लगते हैं, चेंज हो जाती है वो रॉक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि क्ले जब चेंज होता है एक्सट्रीम प्रेशर से, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में। क्ले इंटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल। लाइम स्टोन कन्वर्ट होके मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल बन जाता है। तो ये तीन टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं और इंट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं? ये दोनों ही इग्नियस रॉक्स के पार्ट हैं। इग्नियस रॉक में जब मैग्मा निकलता है, कूल डाउन होता है, तो उससे जो रॉक बनती है, दो तरह की रॉक्स बनती हैं, एक एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव तब बनती है जब वो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर कूल डाउन होता है, तो उससे जो रॉक बनती है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ना आकर डीप इनसाइड द अर्थ ही सेटल डाउन हो जाता है और कूल डाउन हो जाता है, और अर्थ के नीचे ही एक रॉक बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर? एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। क्लियर? समझ आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू अस? रॉक्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं? तो रॉक्स से क्या है, रॉक्स को काटते हैं, उससे पत्थर के पीसेस कटते हैं, और उससे क्या क्या होता है, रोड्स बनती हैं, हाउसेस बनाने में काम आता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हम गेम्स भी खेलते हैं स्टोन्स से। तो इन सब चीज़ों के लिए रॉक्स का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज रॉक साइकिल? रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल क्या होता है कि जब अर्थ सरफेस अर्थ की डीप इनसाइड द अर्थ, जब जो मिनरल्स हैं वो ही एक्सट्रीम हीट और प्रेशर्स की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, और वो मेल्ट होकर इतना उसमें प्रेशर बन जाता है कि वो ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर आकर इरप्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शंस। जो वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वो मैग्मा ऊपर आकर अर्थ सरफेस के ऊपर आकर कूल डाउन हो जाता है, रॉक बनाता है, और रॉक क्या है, फिर वो हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से जब कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स बनती हैं, और जब उनके ऊपर फिर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट का अटैक होता है तो वो वापस डीप इनसाइड अर्थ में दबते जाते हैं, और उस वापस वो मैग्मा में कन्वर्ट होकर फिर वही इरप्शन की फॉर्म में, मैग्मा की फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि चलती रहती है, और जिसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड डिकेज होते हैं, जो लेयर्स के साथ में ट्रैप होकर रॉक के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनसे मिनरल्स बन जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल फॉसिल्स। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि डेड डिके ऑफ एनिमल और प्लांट्स से बने हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये डेड डिकेज जो है अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ डीप इनसाइड द अर्थ ट्रैप हो गए थे, दब गए थे, और उसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ? अर्थ की तीन लेयर कौन सी हैं? अर्थ अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि अर्थ जो है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से मिलकर बना है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है और उससे अर्थ सरफेस बना हुआ है। तो वो जो लेयर्स हैं वो थ्री टाइप की लेयर्स हैं, तीन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट, उसके बाद ये थिनेस्ट लेयर है जो कि 35 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है, सेकेंड आती है मेंटल जिसका कि 2900 किलोमीटर तक वो उसका एक्सटेंशन है, और सबसे जो अंदर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं कोर, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो अराउंड 3500 किलोमीटर का इसका जो है वो रेडियस है। क्लियर? तो ये तीन टाइप की रॉक्स, सॉरी रॉक्स यानी लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर
आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।